हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं पीके ब्लॉग्स और आज हम बात करेंगे। कई हमारे दोस्त हैं जो SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड नया नया जिनने अभी अप्लाई किया है या मंगाया है, ऐसा रहता है तो वो उसमें कई सारे ऑफर आते हैं। 10x रिवार्ड पॉइंट है, 500 का एक वाउचर मिलता है उसमें अमेजन पे। तो कई साथी उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको रिडीम नहीं कर पाते हैं कि उसको कैसे हमें एक्टिवेट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। आइए आज हम देखते हैं कैसे हम उसको अमेज़न पे जाके उस कूपन का जो एक हमें मैसेज आता है, और वो एक्चुअली कब आता है, जब हम कार्ड ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो कार्ड की पहली जो पेमेंट होती है, तो पहली पेमेंट हमको करने के बाद और उस पहली पेमेंट में कार्ड का एनुअल फीस जो होता है 499 रुपये प्लस टैक्सेस, वो जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद हमको एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से, SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें हमको एक कोड मिलता है। वो कोड हमको अमेजन में ले जाके डालना होता है और 500 रुपये का हमारा जो वाउचर होता है वहाँ एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम कोई शॉपिंग कर सकते हैं या आप जो इस्तेमाल करें कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इसको ऐड करते हैं अमेजन में और कैसे वो मैसेज आता है। चलिए सबसे पहले हमको अपने अमेज़न ऐप को खोल लेना है। उसके बाद हम इसमें ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और नीचे अकाउंट शो हो रहा वहाँ क्लिक कर लेंगे। अकाउंट सेक्शन में आने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो अमेज़न पे मिल जाएगा हमको। और अमेज़न पे में जो चौथा ऑप्शन है ऐड गिफ्ट कार्ड, उस पे हम क्लिक करेंगे टू योर बैलेंस। और उस पे क्लिक करने के बाद हमको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है आने के बाद हमको यहाँ गिफ्ट कार्ड एंटर ऑप्शन आ रहा, वहाँ पे हम जो SBI से हमको मैसेज आया हुआ है उस मैसेज का जो कोड है वहाँ हम कॉपी कर देंगे इसको, या फिर हम लिख सकते हैं। और उसके कोड को लिखने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस करेंगे तो वो हमारा कार्ड में बैलेंस शो होने लगेगा। ऊपर हमें जो अभी जीरो बैलेंस दिख रहा वो तुरंत वहाँ शो होने लगेगा गिफ्ट एंड कार्ड्स पे। तो इस तरह आप बहुत आसानी से जो है अपने बैलेंस को जोड़ सकते हैं।